जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। भारत में कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार भी घबरा गई है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक जारी है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भाजपा नेता के घर हुए हमले में शहीद हुए एक जवान की शहादत का बदला भारतीय सुरक्षा बलों ने ले लिया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा इलाके में करीब 6 घंटे तक चले इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने उस घर को ही आईडी से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे। मौके से तीनों आतंकियों के शव और 3 हथियार बरामद किए गए। गुजरात में लव जिहाद अब गैर कानूनी होगा। इसके लिए लाए गए गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया है। इसके तहत बहला फुसलाकर, धमकी, लालच और भय दिखाकर अन्य धर्म की युवती से विवाह और धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 2,00,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सिर्फ 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए हैं। यह जैकेट चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब के टेस्ट में पास हो चुका है। यह मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले 1.4 किलो हल्के हैं। देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन 45 या उससे ज्यादा उम्र के 15,28,639 लोगों को वैक्सीन दी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 1 अप्रैल रात 8 बजे तक देश भर में कुल 6.75 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के 4,01,06,304 लोग भी शामिल हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपीए चेयरपर्सन को लेकर कुछ दिन पहले जो बयान दिया था अब वे उससे पलट गए हैं। राउत गुरुवार को एक टीवी इंटरव्यू में बोले कि उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि सोनिया गांधी की बजाय NCP के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने सुना है कि ममता किसी और सीट से भी नामांकन भरने वाली है। TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल वो लड़ेंगी और वो सीट वाराणसी होगी। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के लिए दिल्ली के स्कूलों में कोई भी शारीरिक कक्षाएं नहीं होंगी। दिल्ली के स्कूली छात्रों को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में ही अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। मलाइका अरोड़ा ने इसकी फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। मलाइका अरोड़ा ने इस फोटो के साथ लिखा है कि मैंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने पर आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि जब तक केंद्र और राज्य साथ नहीं आएंगे और सारे मुद्दों का समाधान नहीं कर लेते इसको GST में लाना संभव नहीं होगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और राजस्व बढ़ेगा इस विषय का हल निकाला जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,183 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह किसी भी राज्य में एक दिन का आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में पिछले केवल 72 घंटों में 1,00,000 से अधिक नए संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र से ज्यादा दुनिया के सिर्फ 3 देश यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील में ही कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मचे हाहाकार से एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज कोरोना के हालातों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA द्वारा 15 दिन से जिस मिस्ट्री गर्ल की तलाश की जा रही थी वह मिल गई है। सचिन वाजे का वो अड्डा भी मिला है जहां सारी साजिश रची जाती थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आए हैं। सचिन वाजे मामले में NIA ने जिस मिस्ट्री गर्ल को हिरासत में लिया है उसका नाम मीना जॉर्ज बताया जा रहा है। सचिन वाजे के घर के करीब ही रहने वाली मीना पर NIA को शक है कि वह ब्लैक मनी को व्हाइट करने में वाजे की मदद करती थी। सचिन वाजे का जो अड्डा NIA ने खोज निकाला वह गिरगांव का एक रेस्टोरेंट है। यही प्लानिंग होती थी। NIA ने यहां से 65 दिन के CCTV फुटेज जब्त किए हैं। इस रेस्टोरेंट का मालिक और मैनेजर भी संदेह के घेरे में है। सचिन वाजे मामले में अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग व जेजे शूटआउट का दोषी एक गुर्गा भी संदेह के घेरे में है। अभी ये गुर्गा अस्पताल में इलाज करा रहा है। NIA जल्द इससे भी पूछताछ कर सकती है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तेंदुलकर 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सचिन ने ट्वीट किया, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले DMK के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। यह छापे चेन्नई में अलग ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक DMK के अध्यक्ष MK स्टालिन के दामाद सबरिसान के घर पर भी छानबीन चल रही है। एक वायरल हो रहे वीडियो में कथित रूप से असम के पत्थरकंडी के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM दिख रही थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा मीडिया तंत्र का उपयोग उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने उनका पर्दाफाश किया। तो टॉप 20 खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।